हम कर रहे हैं मीन के, एवरेज के. मीन का आपको फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ओके अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट. लेकिन अब हम इस फॉर्मूले में काम नहीं कर रहे, ये तो बहुत आसान है कि जितने भी आपको डेटा दिया है, जो वैल्यूज दिया है, सबको प्लस करो, वो जितनी है उससे डिवाइड करो. अब जो हमारे ये क्वेश्चंस है, इस पे रिजल्ट ये है कि अगर हमें उन सबका प्लस निकालना है, जो भी वैल्यूज है उनको प्लस दिया नहीं है, उन सबका हमें प्लस निकालना है, तो हमें मीन को एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन. इन अ फैक्ट्री टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एन आपके पास कितने हैं, 25. आउट ऑफ देम एवरेज मंथली सैलरी या मीन सैलरी 15 वर्कर्स की है एंड 10 वर्कर्स की सैलरी है. आपको बताना है मंथली एवरेज सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स. अगर हम मीन 25 वर्कर्स का निकालें एवरेज, तो मुझे नीचे 25 चाहिए लेकिन ऊपर मुझे क्या चाहिए, सारे जितने भी 25 एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की सैलरी का प्लस. यानी फर्स्ट बंदे की सैलरी 8,000 है, सेकंड की 9,000 है, थर्ड की 10,000 है, फिर 8,500 है. ऐसे डेटा दिया होता है हम सारा प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये डेटा ऐसा कुछ नहीं है. तो इसमें हम ये रिजल्ट लेंगे, हमें ये पता है 15 वर्कर्स की सैलरी का एवरेज दिया, और 15 वर्कर्स की सैलरी का प्लस कैसे आएगा, 15 वर्कर्स और जो उनकी एवरेज सैलरी है, ये 15 सैलरी का प्लस आ गया. इस फॉर्मूले से 15 वर्कर्स की सैलरी का प्लस आ गया, ऐसे ही सेम 10 वर्कर्स की सैलरी का प्लस, जो उनकी मंथली इनकम है एवरेज, ये 10 का आ गया, ये 15 लोगों का, ये 10 लोगों का प्लस, दोनों को प्लस करोगे किसका आ गया, 25 का आ गया. बस अब इसे सॉल्व कर लेना, आपका 25 का सैलरीज का एवरेज आ जाएगा. एवरेज सैलरी 19 वर्कर्स की इतनी है, सैलरी मैनेजर की इतनी है आपको, ऑल एम्प्लॉयज 19 वर्कर्स हो गए, एक मैनेजर हो गया, तो टोटल कितने लोग हो गए, 20. आपको 20 वर्कर्स की एवरेज सैलरी निकालनी है. सेम लॉजिक, 19 मल्टीप्लाई दिस प्लस 42,000, क्योंकि वो तो एक ही है, और फिर आप उसे सॉल्व कर लेना. नेक्स्ट, आगे के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड टू बी 35. मीन 9 ऑब्जर्वेशन का कितना है, 35. अब इट लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द ऑब्जर्वेशन 81 वॉज मिसरेड एज 18. यानी 81 लिखा था, लेकिन जब हम उनको सब प्लस कर रहे थे ना, तो 81 की जगह हमने क्या ले लिया, 18. अब आपको करेक्ट मीन निकालना है. अब हमें फिर सारी वैल्यूज तो दी नहीं है, सारी वैल्यूज दी होती तो चलो भाई हम 18 की जगह है, 81 की जगह 18 कर लेते. ये क्या है, 81 वाज मिसरेड, 18 ले लिया, 81 छोड़ दिया, भाई 18 को हटा देते, 81 को ले लेते. तो अब इसमें क्या होगा, सम देखो, सम कैसे निकलेगा, 9 मल्टीप्लाई 35, यानी कि वो चीज आ गई जो हमने अलग 9 ऑब्जर्वेशन का प्लस किया था, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन जो थी वो 81 थी, जिसको हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, 18. तो ये तो सम आ गया. अब हम करेक्ट सम लेंगे, करेक्ट सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन, क्या 9 मल्टीप्लाई 35 करेक्ट कैसे आएगा, जो गलत है उसको हम निकाल देंगे और जो सही है उसको हम ऐड कर देंगे. अब ये करेक्ट सम हो गया, अब करेक्ट मीन क्या आएगा, ये सम सारा आ गया, इसको किससे डिवाइड कर दोगे आप, 9 से. अब मैं 8th और 9th क्वेश्चन आपको इकट्ठे बता रही हूं. मीन ऑफ 5 नंबर इज 27. मीन 5 नंबर का कितना है, 27. वन नंबर एक्सक्लूडेड, एक नंबर निकाल दिया, एक नंबर निकाल दिया तो मतलब अब कितने नंबर हो गए, 5 है, एक नंबर निकाल दिया 4 हो गए. अब वो मीन कितना है, 25. आपको बताना है एक्सक्लूडेड नंबर कौन सा है. अब आप खुद सोचो, जब आप इन 5 नंबर का मीन निकालोगे तो इन 5 नंबर को प्लस करोगे, राइट. ये प्लस हमारे पास नहीं है, लेकिन सम 5 नंबर का, 5 मल्टीप्लाई 27 ये आ जाएगा. अब जब इसका सम निकालोगे तो 4 नंबर को प्लस करोगे तो उसका सम आ जाएगा, 4 नंबर का सम, ये तो 100 ही आ गया, कैलकुलेशन ईजी है, हो गया. अब ये आपके पास 5 नंबर का सम है, ये आपके पास इन्हीं में से 5 एक हट गया
उसका समय, तो आपका जो एक्सक्लूडेड नंबर है वो कैसे निकलेगा? आंसर निकलेगा S5 - S4, यानी सम 5 मतलब सम 4। आप ये मत लिखना, जो आप यहां लिख रहे हो वही लिखना जो मैं बोल रही हूं। ऐसे ही सेम है मीन ऑफ 8 नंबर 27 इंक्लूडेड, यानी एक नंबर और आ गया, अब 9 नंबर बन गए, उसका मीन 26 है। तो आपको निकालना है इंक्लूडेड नंबर। इंक्लूडेड नंबर के लिए हमें 9 नंबर का सम चाहिए माइनस 8 नंबर्स का सम चाहिए, और वो ऐसे आ जाएगा सेम, और आपका हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल में मीन बर्थ रेट जो है वो वीक की 35 है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मीन 7 जो है बर्थ रेट, यानी एक हॉस्पिटल में 7 दिन में 35 बच्चे पैदा होते हैं। मीन बर्थ रेट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, मंडे टू थर्सडे, अब मीन रेट कितनी है आपकी 32, कितने दिन हो गए 1 2 3 4, तो मैं इसे M4 लिख रही हूं। एंड थर्सडे टू संडे 36 है, मैं इसे M4 लिख रही हूं 36। आपको बताना है थर्सडे में कितने हुए, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको जनवरी फरवरी करके भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान दो, जो ये वाला मीन है ये थर्सडे, इसमें 2 बार आ रहा है थर्सडे। अब इसमें टोटल थर्सडे तक कितने बच्चे जन्मे वो हम कैसे निकालेंगे, सम 4, 32 × 4, ठीक है, सातों दिन कितने बच्चे जन्मे, 7 × 35, ये टोटल आ गया जो सातों दिन में बच्चे जन्मे, ये आ गया मंडे टू थर्सडे का आ गया टोटल कितने बच्चे जन्मे, फिर आपका आएगा S4, यानी थर्सडे टू सैटरडे कितने बच्चे जन्मे 36 × 4। अब देखो क्या करना है, देखिए आपने थर्सडे को निकालना है, मैंने मंडे से थर्सडे के सारे बच्चे ले लिए टोटल जितने भी हुए पैदा, ठीक है, वो आ गया मेरा, फिर मैंने थर्सडे से सैटरडे के भी सारे बच्चे ले लिए जो पैदा हुए, यानी ये है क्या, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये कितने दिन के बच्चे हैं, सैटरडे थर्सडे इसमें 2 बार आ रहा है। अब इनमें से अगर मैं ये 7 मंडे ट्यूसडे सारे माइनस कर दूं तो एक थर्सडे ही बच जाएगा ना, बस ये 7 माइनस हो गए, एक थर्सडे ही बच गया ना, थर्सडे का आ गया, निकल आया थर्सडे का नंबर ऑफ बर्थ ऑन थर्सडे